हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जो सीआरपीएफ एससीएम का न्यू पैटर्न है उसमें जो ये जनरल एप्टीट्यूड है इसमें क्या पूछा जाएगा। क्वांट पहले जो होता था कि क्लैरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाता था, उसके नाम से रहता था, 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे क्लैरिकल एप्टीट्यूड के। बट अभी इन्होंने पूछा है कि जनरल एप्टीट्यूड, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसमें क्या रहेगा, कैसा पैटर्न रहेगा, उसी पर बात करेंगे। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो को नई वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि मेरा सीआरपीएफ एससीएम में अभी हाल ही में कंपनसेट बेस पर रिटर्न, टाइपिंग एंड मेडिकल हो चुका है। अभी हमारी फाइनल लिस्ट आनी बाकी है। दोस्तों, आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहें, आपको जरूर हेल्प मिलेगा हर एक फेज में। चलिए बात करते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड में क्या रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी कई सोर्सों से पता लगाया कि जनरल एप्टीट्यूड में जो रहेगा इसके 25 क्वेश्चन में, जैसे कि 2017 के ओपन वैकेंसी में भी क्वांट के उसका क्वांट सॉरी दोस्तों जन जो क्लैरिकल एप्टीट्यूड था उसमें क्लैरिकल एप्टीट्यूड नाम ही था, बट उसमें जो पूछा गया था जीएस के भी क्वेश्चन दे दिए थे एंड करंट के क्वेश्चन दे दिए थे। तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ के जाना है, करंट पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, और अगर क्लैरिकल एप्टीट्यूड आएगा तो बन ही जाएगा। सब हर स्टूडेंट कर लेंगे, हर कैंडिडेट कर लेंगे क्लैरिकल एप्टीट्यूड, क्योंकि क्लैरिकल एप्टीट्यूड जो होता है दोस्तों बहुत ईजी होता है। उसमें एड्रेस मिलान रहता है एंड रीजनिंग टाइप ही रहता है, रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं। तो 25 क्वेश्चन रहेगा अगर क्लैरिकल आता है सपोज, तो आप आसानी से 25 में 25 कर लेंगे। बट अगर जीएस आ गया, करंट आ गया, तो क्या करेंगे उसी मेन यही कट ऑफ बनाएगा आप लोगों की। ये जनरल एप्टीट्यूड है, यही कट ऑफ जो है तो फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन दिलाएगा। बाकी मैथ और रीजनिंग और हिंदी तो हर एक कैंडिडेट कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको क्लैरिकल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो पर आप लास्ट तक जरूर बने रहिए और करंट आप जरूर पढ़ें। करंट के लिए आपको कौन सी बुक पढ़ना है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपका एग्जाम फरवरी में है तो पिछले 4 से 5 मंथ का आप 4 से 5 मंथ का आप करंट पढ़ लें, वो सफिशियंट रहेगा। स्पीडी की एक बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, समथिंग 150 के अंदर ही आ जाएगी। आप उसे परचेस करके पढ़ सकते हैं और करंट अच्छी तरह आप तैयार कर लें। बाकी स्टैटिक जीके हो गया, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन आप कवर कर लें, उसी टाइप के उसी क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्लैरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कैसे रहते हैं, एड्रेस मिलान के क्वेश्चन कैसे रहते हैं। बहुत ही सिंपल रहेगा दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये एड्रेस मिलान टाइप क्वेश्चन है। मैं बात एग्जाम्पल की बता देता हूँ, 190 क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे नेहा अवस्थी देवालय ट्रस्ट फैक्स 4545956571, ये क्वेश्चन है ना। इतना अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं इसके, जिसमें दिखाना है कि इसमें से कौन सा मिलता जुलता ऑप्शन है। तो आपको एलिमिनेट करना है कि जो इससे मिलेगा नहीं वो अपना आंसर नहीं है, जो इससे मैच खाएगा वही अपना आंसर होगा। जैसे कि ये मान लो ऑप्शन रहेगा ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। जैसे पहला ऑप्शन में देखो, यहाँ पे देवालय ट्रस्ट, ट्रस्ट में कौन सा है, ये वाला सा, इसमें कौन सा है, ये वाला सा है। तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, तो ये नहीं होगा। एंड सेकंड बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन नेहा अवस्थी से वाला है, यहाँ दे वाला है, तो ये भी ऑप्शन अपना नहीं होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड थर्ड बात करते हैं नेहा अवस्थी और फोर्थ नेहा अवस्थी, इन दोनों में सेम ही है, देवालय ट्रस्ट ये भी सही है। इसमें फैक्स है और इसमें फोर्थ ऑप्शन में पैक्स है ना, तो ये भी अपना ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, थर्ड ऑप्शन, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार एड्रेस मिलान करते हैं, मेन होता है आपका कि आप कितना जल्दी एलिमिनेट कर ले सकते हैं इसमें क्लैरिकल में, एड्रेस मिलान में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। इसी प्रकार इंग्लिश के भी क्वेश्चन रहेंगे एड्रेस मिलान के, इसी प्रकार नॉर्मल ही क्वेश्चन रहेंगे। बाकी टाइमिंग तो भरपूर है, टाइमिंग का इशू नहीं रहेगा अगर क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप जीएस और करंट पढ़ के जाइए, क्योंकि वही आपका मेरिट बनाएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आपको किस टॉपिक के रिकॉर्डिंग वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट पर बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा स्ट्रेटजी के लिए क्या कैसे पढ़ना है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।